इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। भाजपा के अंदर मची है भगदड़, कई नेताओं का ताबड़तोड़ इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आई है फ्रंट फुट पर। पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चुनावी साल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के तमाम नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पार्टी छोड़ने की बताई है बड़ी वजह है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले पार्टियों में हलचल काफी बढ़ी हुई है। नेताओं का दल बदल का दौर जारी है। चुनावी साल में एमपी बीजेपी को बड़े झटके लग रहे हैं। नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद कई गंभीर आरोप भाजपा पर लगाए हैं। बताते चलें, ग्वालियर में बीजेपी के पूर्व संभागीय मीडिया प्रभारी सुबोध दुबे और किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सतेंद्र सिंह गुर्जर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लगातार जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी पार्टी के कुछ और नेता जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें एक वर्तमान विधायक सहित चार पूर्व विधायक छोड़ सकते हैं भाजपा। ये यहाँ पर भाजपा के अंदर मध्य प्रदेश में भगदड़ सी मची हुई है विधानसभा के चुनाव से पहले। ये यहाँ पर इस समय की बड़ी अपडेट थी दोस्तों। बताते चलें, भाजपा के आंतरिक सर्वे में यह बात सामने निकल के आई है कि इस बार के चुनाव में उसकी हालत बुरी होने जा रही है। मात्र 60 से 70 सीटों पर ही उसे संतोष करना पड़ सकता है, जिसके कारण अब नेताओं को लगने लगा है कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। इसलिए तमाम नेता अब कांग्रेस पार्टी में हो रहे हैं शामिल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।